सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। साथियों कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों आप सभी को पता है कि मैं हूं दिल्ली में इस वक्त, और दिल्ली से आज मैं घर के लिए निकलने वाला था, पर यहां पर मेरे एक दोस्त थे और उनकी माता जी का तबीयत ख़राब हो गया और मुझे उनको हॉस्पिटल में लेके आना पड़ा। हॉस्पिटल में आने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, हॉस्पिटल का नाम है राम मनोहर लोहिया दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर मानी केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छा मतलब काम किया हॉस्पिटलों के लिए, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि राम मनोहर लोहिया में कुछ वैसी तरक्की नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और मरीज़ आने के बाद आपको बताना चाहता हूँ वैसे उन लोगों को छोड़ दिया जाता है और कोई भी डॉक्टर कोई भी नर्स वहाँ पर लापरवाही हर कोई करते हैं। मैंने अभी देखा है, अगर आप टाइट पड़ रहे हैं तो टाइट पड़ने के बाद तो आपके मरीज़ की दवा हो जाएगी, आपके पेशेंट की दवा हो सकती है, नहीं तो आपकी दवा नहीं हो सकती है। इसलिए क्योंकि आप वहाँ पे अगर आप बैठे हैं तो आप बैठे ही रह जाएंगे, आपका जो पेशेंट रहेगा आपका जो मरीज़ रहेगा वो बेचारा वैसे ही तड़फ के मर जाएगा, उसकी दवा नहीं हो पाएगी। मैंने इस तरीके से यहाँ पर देखा है, अभी थोड़े देर पहले की बात है। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँगा अंदर का, और रात के 3:30 बज रहे हैं। मैं अभी थोड़े देर पहले मैं आके नाश्ता किया हूँ, जो कि मेरे से डॉक्टर से भी और वहाँ के नर्स से वहाँ के गार्डों से भी अब थोड़ा बहुत मतलब बोली चाला में हो गया, मुझसे गर्मी गर्मा हो गया उन लोगों से। और पीछे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर एक बोर्ड लिखा है कि सबसे सस्ती दवा यहाँ ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज के बाद बस और कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सारी दवा बाहर से आती है। कहाँ का ये राजधानी है, ये हमारे भारत की राजधानी की ये हाल है। माननीय केजरीवाल जी ने जो किया है उस बात से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हॉस्पिटलों के लिए, लेकिन यहाँ पर राम मनोहर लोहिया में उन्होंने कुछ भी नहीं किया मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का स्टिकर लगा कि सबसे सस्ती यहाँ दवा, और आधे से ज़्यादा दवा बाहर से मंगानी पड़ती है। आपको बताना चाहते, देखिए आप हॉस्पिटल को भी देख सकते हैं, हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है। मुझे वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप लेके जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लापरवाही होती है। अगर आप अपने आप को टाइट पड़ेंगे तभी आप अपने मरीज का दवा करवा पाएंगे और उसको बचा पाएंगे। तो ये मैं आप लोगों से बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर हूँ, और दिल्ली के अंदर हो के हमारे पूरे भारत की राजधानी है, और राजधानी होते हुए भी आज दिल्ली के अंदर किस तरीके से हॉस्पिटलों के अंदर लापरवाही की जा रही है, उस चीज़ को मैंने देख लिया। ये है राजधानी हमारे देश की, माननीय केजरीवाल जी का यहाँ पे सरकार है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ पे रहते हैं, राष्ट्रपति जी खुद यहाँ पर रहते हैं, और राष्ट्रपति जी के सब हर किसी के लोगों को होते हुए माननीय मनोज तिवारी जी का यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, इन सब के होते हुए राजधानी की ये हाल है, और हॉस्पिटलों में ऐसी लापरवाही होती है। तो सभी साथियों से ये मेरा निवेदन है कि कभी भी आप सरकारी हॉस्पिटलों में जाएं दवा करवाने, तो आप अपने आप को थोड़ा टाइट पड़े, और उतना भी ना टाइट पड़े कि डॉक्टर आपसे भड़क जाए, उतना ही कीजिए ताकि लापरवाही ना हो सके। तो आपको सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और शेयर इसलिए कीजिएगा कि ज़िंदगी है साथियों, कभी आपके भी घर में दुख पड़ सकता है, कभी मेरे भी घर में दुख पड़ सकता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी साथियों को जय भीम।